सॉरी, ये हमारा लैंसेट का ये बेसिक मॉडल अपना TL6500B। तो वैसे आने को तो हमारे पास तीन मॉडल आते हैं, तो ये बेसिक मॉडल के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये 6500B है। तो इसमें क्या है कि सर देखो, इसमें अपना बेसिकली इसमें क्या फीचर क्या है कि ये टिल्टेबल स्क्रीन है और टच स्क्रीन है टोटली। तो जैसे हम जैसे स्टैंडिंग में जब बैठ के कर रहे हैं तो स्क्रीन को आपको इस सिचुएशन में आपको वो करना है, और जैसे बाई चांस आप खड़े होकर कर रहे हैं तो स्क्रीन अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ये मोड्स है, ये तीन मोड्स हैं इसमें। जैसे आपका सिंगल विजन हो गया, ये जो प्लस का साइन आ रहा है, और उसके बाद आ गया बाइफोकल और प्रोग्रेसिव, ये दोनों सेम एक ही मोड है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट लेंस, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस भी आप मेजर कर सकते हो। फिर आपको दोबारा से ये क्वेश्चन मार्क वाला आ गया, ये सिंगल विजन के लिए है, ठीक है जी। और उसके बाद ये है कि जिसमें यहाँ पे ये ऑटो प्लस का निशान आ रहा है, इसमें ये ऑटो प्लस जो ब्लू में दिखा रहा है ये आपका मैनुअल मोड हो गया। इसमें क्या होता है कि आपको ग्लास को प्रॉपर सेंटर करना होता है, ठीक है। इसको सेंटर करें, यहाँ जब प्लस बनेगा तो आपकी रीडिंग सेव हो जाएगी। और इसी में ही अगर ये मोड अगर जैसे ऑटो ये जो प्लस का निशान है ग्रीन में है, तो इसका मतलब ये ऑटो मोड है, आपको प्रॉपर सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सेंटर के पास आपका लेंस जाता है तो ऑटोमेटिकली रीडिंग आपकी सेव हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये जो नेक्स्ट आ रहा है ये आपका है कॉन्टैक्ट लेंस मोड, इसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस भी आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है जी। और बाकी इसमें क्या है कि ये आपका सारे फीचर दिए हैं, ये लेंस होल्डर है लेंस होल्ड करने के लिए। इसमें आपका ये मार्किंग पेन दिया हुआ है, अंदर ये इंक पैड लगा हुआ है, यहाँ से इंक उठा के आपको मार्किंग करनी होती है जब इनकेस आपको एक्सिस मार्किंग करनी होती है, तो ये इसमें दिया हुआ है। और प्लस इसमें ये आपका ये है जो ये आपका होल्डर दिया हुआ है, जैसे आपका चश्मे को जैसे आपने होल्ड करना है या इक्वल करना है तो आपको इसको बाहर निकाल के आप रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। और एक ये बटन सामने दिया होता है, ये सेव बटन होता है, जैसे आपने रीडिंग सेव करनी है तो इस बटन को आप प्रेस करके यहाँ पर रीडिंग सेव कर सकते हो। ये रीडिंग सेव आपकी जैसा सेव होती है तो ये सारा ये एक तरफ ब्ल्यू हो जाता है, ठीक है। और दोनों साइड ब्ल्यू होगा तो आप इसके उसके बाद आप ये प्रिंट भी निकाल सकते हो, ये आपका प्रिंट आ गया। इसमें इनबिल्ट प्रिंटर भी दिया हुआ है, और बाय चांस जैसे आपको इनके सभी जैसे प्रिंट का रोल चेंज करना होता है तो आपको ये ढक्कन खोल के उसको हल्का सा पुश करके बाहर निकालना होता है। तो इसमें वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है। जो ये आपका ये रोल है इसको अपने सीधा एंटर यहाँ पे लगाना है, और इसको जो पेज है इसको थोड़ा बाहर निकाल के ढक्कन को पुश कर देना है, और ये जो ये बटन है इसको अंदर कर देना है, उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं।